मल्हार टीव्हीच्या पुढील बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. कला, साहित्य व सांस्कृतिक कार्याला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी पनवेल महापालिकेच्या माध्यमातून खारघरमध्ये सामाजिक सांस्कृतिक भवन उभारणार असल्याची ग्वाही भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दिली आहे. हिंदी भाषा दिनाचे औचित्य साधून रे फाउंडेशन खारघरच्या वतीने हिंदी भाषा गौरव सन्मान सोहळा सोमवारी आयोजित करण्यात आला होता. या सोहळ्याचे प्रमुख मान्यवर म्हणून ते बोलत होते. खारघर सेक्टर 4 येथील बालभारती पब्लिक स्कूलच्या सभागृहात या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते ज्येष्ठ लेखक व अनुवादक सूरज प्रकाश, कवयित्री माधवी कपूर, मीनू मदान, मनोहर अभय, अरविंद राही, चंदन अधिकारी, लेखक अशोक वरिष्ठ, पत्रकार सुधीर शर्मा व विनोद प्रधान यांना हिंदी भाषा गौरव सन्मान स्मृतिचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. या सोहळ्यास भाजपच्या महिला मोर्चा उत्तर भारतीय प्रकोष्ठाच्या तालुका अध्यक्षा व रे फाउंडेशनच्या अध्यक्षा निशा सिंग, नगरसेवक अभिमन्यू पाटील, रामजी बेरा, शत्रुघ्न काकडे, प्रवीण पाटील, निलेश पाविसकर, आरती नवघरे, संजना कदम, अनिता पाटील, नेत्रा पाटील, भाजपचे जिल्हा संघटन सरचिटणीस अविनाश कोळी, तालुका खजिनदार अनंता तोडेकर, खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, सांस्कृतिक सेलचे जिल्हा संयोजक कीर्ती नवघरे, माजी सैनिक सेलचे जिल्हा संयोजक समशेर सिंग जाखड, युवा मोर्चा जिल्हा सरचिटणीस समीर कदम, विनोद घरत, विनोद ठाकूर यांच्यासह साहित्यिक आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. थोड़ा सा राजनैतिक होते हुए कुछ चीजें मैं चाहती हूँ कि आप उनके विषय में जाने. अक्सर लोग अपनी प्रेरणा स्थान के रूप में बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं. जो कामयाब लोग होते हैं ना, अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारी प्रेरणा स्थान तो फला व्यक्ति है. मगर मैं आपको बताऊँ कि मुझे आज इस मंच से ये बताते हुए गर्व महसूस होता है कि हमारे प्रेरणा स्थान प्रशांत सर के अलावा कोई हो ही नहीं सकता. जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें संकल्प से सिद्धि का मूल मंत्र दिया, ठीक उसी प्रकार हमारे प्रशांत सर ने हमें चरैवेति 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 का मूल मंत्र दिया है. उनका कहना है, विरोधी आपका विरोध करेंगे, रोकने वाले आपके रास्ते में रोड़ा अटकाएंगे, मगर आप लोगों को रुकना नहीं है. पूरी सच्चाई, ईमानदारी और लगन के साथ बढ़ते जाना है और जनता की सेवा के लिए समर्पित रहना. खारघर बहुत बड़ा हो रहा है, पनवेल महानगर पालिका का एक हिस्सा बन चुका है. और जैसा कि हर नई चीज़ के बारे में हम सभी की एक एक हम आशा रहती है कि ये जो नई कृति है वो नई कृति बड़ी हो, तो हम सभी चाहते हैं कि ये जो महापालिका नए स्वरूप में बनी है ये महानगर पालिका बड़ी हो और इसमें ना सिर्फ बड़े स्ट्रक्चर्स हो, ना सिर्फ रास्ते चौड़े हो, पर उसके साथ साथ हम सभी रहने वाले लोगों के दिल भी बड़े हो. तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि साहित्य क्षेत्र में, कला क्षेत्र में लोगों का रुझान बढ़े. इसके लिए जो भी कुछ हमारे नगर सेवक सहयोगी तो सामने बैठे हैं, निर्णय तो वो लोग लेने वाले हैं, मैं उनको सुझा सकता हूँ, तो मैं उन लोगों को सुझाऊंगा और ज़रूर आप सभी के जैसे साहित्यकर्मी बार बार लोगों के सामने आए, अपनी कलाकृति को रखे, इसके लिए यहाँ पर एक अच्छे ऑडिटोरियम का होना, निर्माण होना बहुत ज़रूरी है. तो ऐसा ऑडिटोरियम बने, छोटे छोटे प्रोग्राम हो ऐसे खारघर में और ये पूरे क्षेत्र में ऐसे हॉल बने जहाँ पर ये कार्यक्रम नित्य स्वरूप में होते रहे.